हेलो एवरीवन, दिस इज आसिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी इंग्लिश। ये वीडियो ख़ास तौर पर किड्स के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें जानवरों के नाम इंग्लिश में सिखाए जाएंगे। किड्स, अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो आप जानवरों के नाम मेरे साथ रिपीट करेंगे। आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप इंग्लिश लैंग्वेज में जानवरों के नाम, उनकी सही और खूबसूरत प्रोनंसिएशन सीख सकें। सबसे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस लगातार मिलती रहें। अगर आपको ये कंप्लीट फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर किड्स, ये जानवर जो पिक्चर में नज़र आ रहा है, इसको उर्दू में कुत्ता कहते हैं और कुत्ते को इंग्लिश में डॉग कहा जाता है। डॉग, मेरे साथ साथ रिपीट करें, डॉग। डॉग पिक्चर में नजर आने वाला ये जानवर गाय कहलाता है। गाय, गाय को इंग्लिश में खाओ कहा जाता है। खाओ, खाओ, खाओ। लेसन आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। तस्वीर में नज़र आने वाला ये जानवर भेड़ है। भेड़, भेड़ को इंग्लिश में शीप कहा जाता है। शीप, शीप। ये तस्वीर खरगोश की है। खरगोश, खरगोश को इंग्लिश में रैबिट कहते हैं। खरगोश को इंग्लिश में रैबिट कहते हैं। तस्वीर में नज़र आने वाला ये जानवर बतख है। बतख, इंग्लिश में बतख को डक कहा जाता है। डक, डक। ये तस्वीर मुर्गी की है। मुर्गी, मुर्गी, मुर्गी को इंग्लिश में हेन कहते हैं। हेन, हेन। तस्वीर में नजर आने वाला ये जानवर घोड़ा है। घोड़ा, घोड़े को इंग्लिश में हॉर्स कहते हैं। हॉर्स, हॉर्स। तस्वीर में नजर आने वाले इस जानवर को उर्दू में गधा कहते हैं। गधे को इंग्लिश में डंकी कहा जाता है। डंकी, डंकी। तस्वीर में नजर आने वाला ये जानवर बकरी है। बकरी, बकरी को इंग्लिश में गॉट कहते हैं। गॉट। अगली पिक्चर जिस जानवर की है उसको उर्दू में गुलहरी कहते हैं। गुलहरी, गुलहरी, गुलहरी को इंग्लिश में स्क्विरल कहा जाता है। स्क्विरल, स्क्विरल, इसको स्क्वायरल नहीं पढ़ना, स्क्विरल। तस्वीर में नजर आने वाला ये जानवर चूहा है। चूहा, चूहे को इंग्लिश में माउस कहा जाता है। माउस, माउस। हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला ये जानवर हिरन है। हिरन, इसको इंग्लिश में डियर कहते हैं। डियर, डियर, इसको डियर नहीं पढ़ना, डी ई ए आर डियर प्यारा होता है और डी डब्ल्यू आर डियर हिरन होता है। बड़ी सी गर्दन वाला ये जानवर जराफा है। जराफा, जराफे को इंग्लिश में जिराफ कहते हैं। जिराफ, जिराफ। इस वर्ड के एंड पर ई साइलेंट है, इसको आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे। तस्वीर में नजर आने वाला ये जानवर उर्दू में खिंजीर कहलाता है। खिंजीर, खिंजीर को इंग्लिश में पिग कहते हैं। पिग, पिग। भेड़िया, भेड़िया,
ये तस्वीर भेड़िये की है और भेड़िया इंग्लिश में वॉल्फ कहलाता है। वॉल्फ, वॉल्फ। पिक्चर में नजर आने वाला अगला जानवर उर्दू में हाथी कहलाता है। हाथी, बड़े बड़े कानों और बड़ी सी सूंड वाला ये जानवर हाथी है। हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट। पानी में तैरने वाला ये जानवर उर्दू में मछली कहलाता है। मछली, मछली को इंग्लिश में फिश कहा जाता है। फिश, फिश। तस्वीर में नजर आने वाला ये जानवर उर्दू में कछुआ कहलाता है। कछुआ, और कछुए को इंग्लिश में टर्टल कहते हैं। टर्टल, टर्टल, टर्टल। केंगरू, तस्वीर में नजर आने वाला ये जानवर उर्दू में केंगरू कहलाता है। केंगरू को इंग्लिश में केंगरू ही कहा जाता है। पिक्चर में जो जानवर नजर आ रहा है उसको उर्दू में सांप कहा जाता है। सांप को इंग्लिश में स्नेक कहते हैं। स्नेक, स्नेक, स्नेक। शतुरमुर्ग, ये जानवर शतुरमुर्ग है। शतुरमुर्ग को इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। पिक्चर में ये जो जानवर नजर आ रहा है इसको उर्दू में शेर कहते हैं। शेर, शेर जंगल का बादशाह होता है। शेर को इंग्लिश में लॉयन कहते हैं। लॉयन, लॉयन। पिक्चर में नजर आने वाला ये जानवर उर्दू में तेंदुआ कहलाता है। तेंदुआ, तेंदुआ। तेंदुए को इंग्लिश में लिपर्ड कहा जाता है। लिपर्ड, लिपर्ड। पिक्चर में जो जानवर नजर आ रहा है इसको उर्दू में ऊंट कहते हैं। ऊंट, और ऊंट को इंग्लिश में कैमल कहा जाता है। कैमल, कैमल। ऊंट को इंग्लिश में कैमल कहा जाता है। डियर किड्स, इस तरह से हमारा आज का लेसन जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था ख़त्म हुआ। इस वीडियो में आपने जानवरों के नाम इंग्लिश में सीखे। आप इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये फ़ाइल PDF फॉर्मेट में चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।